मुझे नया काम ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये जो काम है ना डिलीवरी के काम वो छोड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि तो अभी बारिश गिर रहा है पूरा थोड़ा थोड़ा करके पूरा ज़्यादा हो गया है तो मोबाइल बिक गया है भाई। तो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद से भी होंगे। तो दोस्तों और एक नए वीडियो में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। तो सुबह सुबह मैं निकलने वाला था पर देखो बारिश की वजह से निकल नहीं पाया। और मैं बता दूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ अभी वो काम छोड़ने वाला हूँ क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रीजंस हैं, इसलिए मैं बाद में बताऊँगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं जाऊँगा मार्केट पे। चलो सुबह सुबह बारिश देख के पूरा देखो ना दिन का मौसम जो है पूरा कैसा कैसा हो गया है, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। तो बहुत बारिश गिर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, पूरा फॉग जैसा लग रहा है पूरा बारिश। देखो सुबह का नज़ारा। तो वैसे मैं बाजार में जा रहा था थोड़ा घूम घूम के, फिर से गोवा में जाऊंगा वहाँ पर खाना वाना पाना वाले का भाई, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया ना। तो ऐसे ही फिलहाल मैं घर से निकल गया थोड़ा सा घूमने के लिए क्योंकि ऑफिस में नहीं जाना है भाई। दो तीन दिनों से करीब करीब एक हफ्ते हो गया है मैं ऑफिस नहीं गया, काम पे नहीं गया क्योंकि जो वहाँ पर मैं काम करता हूँ ना तो इतना सैलरी जो मिलता है दिन का जो कमीशन मिलता है पर पर्सन का तो मेरे लिए बहुत ही कम है पैसा। तो मेरा घर बार मेरा फैमिली खर्चा वो सब नहीं हो पाता तो इसलिए मैं काम को छोड़ रहा हूँ। मैं सोच रहा था छोड़ दूँ तो देखना पड़ेगा। और दोस्तों मुझे नया काम ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये जो काम है ना डिलीवरी के काम वो छोड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरा खर्चा वर्चा नहीं हो पाता है यार, इसलिए मेरे फैमिली में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है फाइनेंशियल में। और स्कूटी का भी EMI देना है, ऊपर से दो तीन EMI बाकी है वो भी देना है। तो घर में जो चीज़ें हैं, मेरा एक पुराना लैपटॉप पड़ा था तो ये बेच के मैं मेरा स्कूटी का EMI इस महीने का दे दिया है, दो मंथ का EMI दे दिया है मैंने। तो इसलिए बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, फिर भी चलो ऐसे टाइम पास करने से अच्छा मैं वीडियो को शूट कर लूँ। तो खैर अभी ऑफिस में जाऊँ या नहीं जाऊँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं ऑफिस के सामने हूँ और देखो ढेर सारे ट्रैफिक हैं, क्या बताऊँ पूरा बारिश जो है अभी थोड़ा थोड़ा गिर भी रहा है, फॉग जैसा गिर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है पूरा। तो ऑफिस में जाके क्या करूँ भाई, इतना हम लोगों की कुरियर पे इतना पार्सल नहीं आता तो डिलीवर करने में इच्छा अच्छा ही लगता है। पूरा एक दो महीना हो गया है अच्छी तरह से पार्सल नहीं आ रहा है, तो पार्सल नहीं आएगा तो हम लोगों की कमीशन कैसे मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा, सैलरी कैसे मिलेगा ना। तो ये प्रॉब्लम है ऑफिस का, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को। और क्या बताऊँ EMI भी देना है। तो अभी बारिश गिर रहा है पूरा थोड़ा थोड़ा करके पूरा ज़्यादा हो गया है तो मोबाइल बिक गया है भाई, बाद में ख़राब हो जाएगा। ऊपर से मोबाइल नहीं है, मेरे घर से मांग के लाया हूँ, ये ख़राब हो जाएगा तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो अच्छी तरह से संभल के रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा तो उसकी बात ही वीडियो बना पाऊँगा। और थोड़ा सा बाज़ार में जाऊँगा अभी, कुछ खाना वाना खाना पड़ेगा, बहुत ही भूख लग रहा है। चलिए फिर मोबाइल को अभी जेब में रखना पड़ेगा, बारिश बहुत ज़्यादा गिर रहा है।
तो इस गली के अंदर में घुस गया। तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड बहुत ही ज़्यादा मिलता है, तो देखूँगा वहाँ पर जाके मिलता है या फिर दुकान है या नहीं, कुछ खाना वाना खाना पड़ेगा, यहाँ पर स्ट्रीट फूड है ना। रास्ता भी बहुत ही छोटा है, तो एक हाथ से चलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो सामने से ही मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा मुझे। ये देखो रास्ता, और बारिश गिर रहा है, और यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नया नया कंस्ट्रक्शन। ये सामने वाला तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ये 6 या 7 महीने हो गए हैं, पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी ऊपर का हिस्सा बाकी है। अभी लगने वाला था। बहुत तेरी। तो फिलहाल स्ट्रीट फूड तो नहीं मिला, सामने देखना पड़ेगा। बारिश गिर रहा है पूरा, मेरा मुंह तो पूरा बिक गया है बारिश की वजह से। तो ऊपर से आज संडे है ना, संडे में कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं संडे में कुछ नहीं करता। जब मैं संडे में कुछ काम वाम करता हूँ तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए मैं संडे में कुछ नहीं करता। ऐसे ही आज सुबह सुबह सोच रहा था निकल जाऊँ थोड़ा वीडियो बनाने के लिए, तो निकल गया अभी। तो चलिए यू टर्न लेना पड़ेगा, सामने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। सामने दुकान दिख रहा है स्ट्रीट फूड वाला, यहाँ पर रोटी और सब्ज़ी मिलेगा, तो यहाँ से यू टर्न लेंगे। और ये रास्ते हर वक्त, ये रास्ते मुझे पसंद नहीं, ये हमेशा गड्ढे वगैरह यहाँ पर भरे हुए हैं, देखो ना, कतई पसंद नहीं होता है मुझे यहाँ पर। तो मैं स्ट्रीट फूड वाले दुकान पे आ गया, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दिया है रोटी और सब्ज़ी। ये देखो ये लड़का यहाँ पर पका रहे हैं, तो चलिए वेट करते हैं। हम लोगों की ऑर्डर आ गया, ये देखो रोटी और सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है। ये देखो माय गॉड, चलिए टेस्ट करके देख लेता हूँ। ये रहा रोटी, वाओ, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अभी घर जाने का टाइम आ चुका है दोस्तों। तो घर पहुंच गया दोस्तों, येलो। तो ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, वहाँ पर जो लड़का था बहुत ही टेस्टी तरीके से बनाया था वहाँ पर रोटी और सब्जी। तो 20 रुपये का पड़ा प्लेट, 3 रोटी और सब्ज़ी थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, स्पाइसी बहुत ही ज़्यादा था भाई, मेरा मुंह अभी भी जल रहा है, इतना ज़्यादा स्पाइसी था। तो खैर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी घर में पहुंच चुका हूँ, तो घर में जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। चलिए चलो।